नवीन दया यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे लेसन प्लान्स की फाइल और जो भी आपने टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है बीएड फर्स्ट ईयर में, आपने बीएड फर्स्ट ईयर में टीचिंग सब्जेक्ट के अपने एग्ज़ाम दिए थे तो वही उसी की फाइल्स भी आपके सेकंड ईयर में बनने जा रही हैं, जो कि लेसन प्लान्स होंगे, रियल टीचिंग लेसन प्लान्स होंगे और उसी में कुछ बहुत सारे लेसन प्लान्स इंक्लूड किए जाएंगे। सिमुलेटेड टीचिंग है, रियल टीचिंग है, तो वही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको एक फ़ाइल मिलेगी जो कि आपके कॉलेज से मिलेगी, ठीक है, तो आपको फ़ाइल ले लेनी है और उसके बाद अपनी जो फाइल है वो बनाना स्टार्ट करनी है। तो देखिए, आज हम हिंदी की फ़ाइल, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको हिंदी की फ़ाइल बनानी है, माइक्रो टीचिंग्स के लेसन आपके बनेंगे और कितना टाइम पीरियड होगा, किस तरह से आपकी फ़ाइल बनेंगी, क्या क्या आपको टॉपिक लेने हैं, क्या इंक्लूड करना है, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसका भी टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी जो फर्स्ट पेज होगा माइक्रो टीचिंग का, ये माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपका फर्स्ट लेसन प्लान है हिंदी का, इस तरह से यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। डेट आपको कॉलेज वाले सिलेक्ट करके देंगे कि आपको माइक्रो टीचिंग की किस डेट में आपके माइक्रो टीचिंग्स के लेसन जो हैं वो स्टार्ट किए गए। ऐसा नहीं करना आपको कि आपने आज से ही माइक्रो टीचिंग के लेसन जो है वो लिखने स्टार्ट कर दिए और आपने इसमें आज की डेट डाल दी, ये डेट आपको नहीं डालनी है, ठीक है। उसके बाद जो टाइमिंग होता है 5 या 6 मिनट की माइक्रो टीचिंग होती है, उसके बाद आपको यहाँ पर टॉपिक लिखना है हिंदी में जो आप टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, और सब्जेक्ट में आपको हिंदी लिखना है और यहाँ पर क्लास मेंशन करनी है कि कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो जो स्किल है, जो कौशल है, वो कौशल का नाम लिखना है स्किल का। तो ये हम कौशल करने जा रहे हैं, प्रश्न कौशल, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक तरफ आपको लिखना है छात्र अध्यापिका क्रियाएँ और दूसरी तरफ आपको लिखना है छात्र क्रियाएँ। देखिए यहाँ पर आपको अपने मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया या फिर अध्यापिका क्रिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पुट अप करने हैं कि जैसे ही आप क्लास में एंट्री करते हो, एक प्लानिंग के साथ आप एंट्री करते हो क्लास में कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ाना है और उस टॉपिक से पहले हमें कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं बच्चों से, ताकि हमें उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसका पता चल सके कि हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उनसे बच्चे कितने टच में हैं उस टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है स्टार्टिंग में, हमारे देश में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों ने आंसर दे दिया है कि हमारे जो देश में है दीपावली, होली, दशहरा, ये सब मनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस का आंसर दिया वो किस तरह से दिया गया है बच्चों के द्वारा, बिल्कुल ईजी था, सरल तरीके से दिया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछोगे बच्चों से कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, ठीक है। पहले तो एक टच से क्वेश्चन पूछना है कि भाई जिस टॉपिक से आप पूछना चाह रहे हैं उसका थोड़ा सा रिलेटेड सा क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद पूछा गया कि दीपावली जो है वो क्यों मनाई जाती है, उसके बाद बच्चों ने आंसर यहाँ पर दिया है, इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, इसलिए बच्चों को जो भी पता होगा एक दो लाइन में आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आगे भी पूछते हैं कि भाई दीपावली क्यों मनाई जाती है, और स्किल्स आपको देखिए जो भी स्किल्स में बच्चे आंसर देंगे आपको यहाँ पर लिखना है कि बच्चों ने प्रीवियस नॉलेज का अपना यूज़ किया है, बच्चों ने ईजी तरीके से अपने क्वेश्चंस का जो आंसर दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दीपावली कब मनाई जाती है, यहाँ पर लिखा गया है बच्चों के द्वारा कि मतलब बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया, तीसरे क्वेश्चंस में ही इन्होंने ये डाल दिया, तो ये तरीका गलत है, ठीक है। मैं साथ के साथ बता रही हूँ आपको, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ नहीं डालना है, इसके जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है कि दीपावली कब मनाई जाती है तो आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चंस को यहाँ नहीं डालेंगे। आंसर में आपको ये जो आंसर है यहाँ पर कि छात्र मौन रहेंगे, छात्रों को नहीं पता है, तो ये वाला जो आंसर होगा वो हमेशा लास्ट में जाता है, बीच में ये इस क्वेश्चंस के इस स्किल्स के बीच में डाला हुआ है ये आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे साइलेंट रहेंगे, बिल्कुल उनको आंसर नहीं पता है, तो वो आप बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चंस आगे इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, आप क्वेश्चंस पूछते चले जाएंगे जब तक आप अपने टॉपिक पर नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस पूछा गया है और बच्चों के द्वारा यहाँ पर आंसर दिया गया है, ठीक है। देखिए 7th क्वेश्चन देखिए आप कि दीपावली के साथ साथ कौन कौन सी बुराइयाँ जुड़ी हुई हैं,
जो दीपावली का त्यौहार है उसके साथ कौन कौन सी बुराइयाँ जुड़ी हुई हैं, जो आदमी हैं शराब वगैरह पीते हैं, अगर आपको नहीं पता, मतलब आप ये सोच के चलिए कि बच्चों को नहीं पता कौन कौन सी बुराइयाँ जुड़ी हुई है, बच्चों को सिर्फ त्यौहार का पता है, पटाखे जलाए जाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं, सिर्फ बच्चों को इतना पता है, ठीक है, बच्चों को बुराइयों के बारे में पता ही नहीं क्या क्या बुराई जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि छात्र मौन रहेंगे, ठीक है, ये लास्ट का क्वेश्चन है, आप ये लास्ट में डाल सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब बीच में आप इस क्वेश्चन का आंसर बीच में डालेंगे कि छात्र चुप रहेंगे, वो बिल्कुल गलत होगा, वो रॉन्ग मेथड है, वो आप बीच में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि वीडियो ज़रूर देखिएगा बीच में, और ये हो गया। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि त्यौहार में कौन कौन सी बुराइयाँ जुड़ी हुई हैं त्यौहार के साथ, तो यहाँ पर बच्चे मौन रहेंगे, उसके बाद आप आंसर देना चाहें तो आंसर लिख सकते हैं कि बच्चों ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन हम जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है। उसके बाद है आपको यहाँ पर ये रेटिंग स्केल, आपको इस तरह से टेबल बनानी है, ठीक है, इस तरह से घटक ही एक तरफ आपको लिखना है, उसके तरह दूसरी तरफ आपको लिखना है रेटिंग स्केल, ठीक है। जो भी आपने स्किल्स देखे थे वो जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके नीचे ही कुछ दो चार पॉइंट लिखे हुए थे, वही आपको यहाँ लिखने हैं। ये स्किल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, वही आपको यहाँ पर लिखने हैं, और उन्हीं के बिहाफ पर आपको यहाँ पर रेटिंग दी जाएगी टीचर्स के द्वारा। आपको खुद यहाँ पर मार्किंग नहीं करनी है रेड पेन से, ये आपके दे जाएंगे टीचर्स के द्वारा, ठीक है, रेटिंग टीचर्स आपको देंगे। तो बस इतना सा है, और फिर आपकी जो फाइल है वो इस तरह से चेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी हिंदी की फाइल जो कि बीएड सेकंड ईयर की है। जो जो बातें मैंने बताई उन बातों को, एक तो जो लास्ट बीच में क्वेश्चंस पूछ लिया गया था कि बच्चे जो हैं साइलेंट रहेंगे, वो आपको बीच में नहीं लिखना है, वो लास्ट में लिखना है, ठीक है। कंपोनेंट्स आपको लास्ट में लिखने हैं, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। और एक और बात, आप ग्रीन और रेड पेन यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ग्रीन पेन जो प्रिंसिपल के लिए होता है, रेड पेन होता है टीचर के लिए। आप यूज़ कर सकते हैं ब्लू बॉल पेन यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो अगर आप पेन चेंज करना चाहते हो तो, ठीक है। ब्लू या ब्लैक दो पेन ही आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज रेड या ग्रीन आप यूज़ नहीं कर सकते। स्केच आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्केच में भी रेड और ग्रीन नहीं यूज़ कर सकते। तो यही था आपका बीएड फर्स्ट सेकंड ईयर की जो लेसन प्लान है हिंदी की फाइल। फर्स्ट था ये माइक्रो टीचिंग का, और जो नेक्स्ट लेसन प्लान होंगे वो मैं अपलोड करती रहूँगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि जो आपकी फाइल है वो कंप्लीट हो जाए बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी जो फाइल है वो कंप्लीट होए, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो बाय गाइज, टेक केयर, थैंक यू।